भारतीय जनता पार्टी दमयंती नगर मंडल के माध्यम से कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने नगर पालिका पहुंचकर सीएमओ को अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें वर्तमान में हो रही ठंड को लेकर नगर पालिका के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने के संबंध में तत्काल ही निर्देश जारी कर अलाव की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई। वहीं इसके बाद अटल आश्रय योजना न्यू दमोह में वहां रहने वाले लोगों के लिए बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था नहीं होने के चलते भी ज्ञापन में उल्लेख करते हुए वहां समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जी, भारत माता की जय। आज दमोह नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर दमयंती नगर के अध्यक्ष आदरणीय पंडित मनीष तिवारी जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन सीएमओ साहब को सौंपा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद दो कबाड़ी पूरे दुकानें बाल विनोद स्कूल पे कब्जा किए हो और आप देख रहे होंगे पूरा खराब जगह दे दीजिए जहाँ पे लगाए माहौल खराब होता, महिलाएं निकलना ही हुआ ये पूरा बाजार बना हुआ है। आप जिस काम से आए हैं किसका सरकार है जिसका इतना सर, तो पिछले साल वालों को रोक दीजिए आप सर, उनका हाँ तो पर इस साल वालों का तो हो जाए, ठंड ऐसी चल रही सर, कोरोना वैसे ही बढ़ता ठंडे के कारण सर। सर पिछले साल हुई गलतियों में तो 20 साल निकल जाएंगे, इतनी गलतियां नहीं करेंगे। आप चाह रहे हैं कि गलतियां ना हो, वैसे हम लोग चाह रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि आप कर भी दोगे अच्छे। हेलो मुझे कह रहा था देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास आए हुए हैं और दमोह नगरीय क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी सतत उठाती रहती है और उनको प्रयास करने का प्रयास भी करती है। आज हम लोगों ने जो मुख्य समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया है, कोरोना काल चल रहा है और हर साल अलाव की व्यवस्था नगर पालिका दमोह में करती थी, परंतु अभी तक देखने में कितनी भीषण ठंड होने के पश्चात भी नगर में कहीं भी अलाव नहीं जलाया जा रहा है, जबकि कोरोना के समय में ठंड और ज़्यादा कोरोना को बढ़ाने वाली कारक सिद्ध होती है। तो एक तो उनसे आज आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी ये जो अलाव है उसकी व्यवस्था की जाए। दूसरा हम लोगों का जो प्रमुख मुद्दा था अटल आश्रय योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई है और लगभग 1000 से अधिक लोग समन्ना में जो न्यू दमोह है वहाँ पर रहने लगे हैं, तो ना तो वहाँ पर अभी तक पानी की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा कराई गई, बेचारे वहाँ के जो गरीब लोग हैं नीचे टंकी रखते हैं फिर ऊपर मोटर से टैंकर बुलाते हैं फिर ऊपर लेके जाते हैं, ना तो सफाई है और पूरे पैसे जमा करने के पश्चात भी वहाँ पर अभी बिजली और सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि इन सब व्यवस्थाओं को देखा जाए। हमारे और युवा साथी भाई पंकज जड़िया जी, नीलेश सिंघई जी हैं, इन्होंने भी भाई नित्या प्यासी हैं, इनने भी उनसे आग्रह किया कि शहर में मांस और मटन की अनेक चौराहों पर अलग अलग जगह दुकानें लगी हुई हैं, चाहे किल्लाई नाका हो, चाहे मांगज स्कूल के पास हो, चाहे जौलपुर नाका हो, तो उन दुकानों को निश्चित रूप से तुरंत बंद कराया जाए, उनको एक नियत स्थान दिया जाए जहाँ पर वो लोग मांस और ये सामान बेचें, क्योंकि निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें वहाँ से निकलती हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो माहौल भी ख़राब होता है और उपद्रवी तत्व जो खुले में इस मांस मदिरे का सेवन करते हैं उससे दमोह का माहौल भी ख़राब होता है। अंदर भारतीय जनता पार्टी इसको ऊपर भी उठा के जाएगी और बड़े स्तर पर लेके जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने नगर पालिका सीएमओ के लिए कलेक्टर महोदय को ध्यान आकर्षित कराया था कि दमोह में जो गड्ढे हो गए हैं धूल की बहुत बड़ी समस्या है, तो उनने संज्ञान में लेकर भी 2-3 दिन पहले गड्ढे भरवाने का काम किया है और गड्ढे तो भरे हैं लेकिन उतनी क्वालिटी की उसमें गड्ढे में भराई नहीं हुई है, तो उस पर भी हम लोग उनसे कहना चाहते हैं कि गड्ढे थोड़े क्वालिटी के भराए जाएं, उनकी स्थिति अच्छी हो, खुड़े ना, और जहां के शेष रह गए हों उन पर भी पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी उनने केवल नाम मात्र कुछ जगहों पर किया है, बाकी जगह ज्यों के त्यों गड्ढे से धूल से भरी हुई है जिससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।